नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एसएससी एमटीएस के काफ़ी दिनों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और भाई देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर शिफ्ट का एग्ज़ाम देखो, एनालिसिस देखो, क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हो रही हैं लगातार। मैं जानता हूँ रिविज़न भी करना पड़ रहा है, ठीक है, और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट था, टॉपिक्स में डाउट था, उनको बार बार देखना पड़ रहा है। अभी इसमें आप हर शिफ्ट का एनालिसिस देखोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, तो भाई इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। और ऑथेंटिक भाई फ्रेंड भी आपका हो सकता है एक बार को ना बताए, क्योंकि उसके लिए ही कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में भाई इसी बारे में बात करेंगे। अभी जो भी टॉपिक नए और पूछे गए हैं या फिर पहले पूछे जा रहे थे, ओवरऑल एवरेज अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से बने हैं, कितने बने हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक तरीके से एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अभी जो आगे वाली शिफ्ट हैं उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिख रखे हैं टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ध्यान से सुनना भाई। इस वीडियो में एक दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो काम आएंगी आपके एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो भाई 5-ईयर प्लान आ जाता है। 5-ईयर प्लान को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं ऐसे ही, क्योंकि 5-ईयर प्लान से भाई लगभग आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा, और मिल रहा है, ठीक है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद भाई देखो, क्लासिकल डांस सारे देख लेना, उनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं, ठीक है, उनको ज़रूर देख लेना एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसर्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर क्लासिक डांस से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद भाई देखो, जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा सा परसेंटेज और देख लेना, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं मान लीजिए, तो अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पूछता है, मान लीजिए कितने परसेंटेज जो मेंस थे वो लिटरेट थे, ठीक है, इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी CGL का, CHSL के एग्ज़ाम हुए, उनमें पूछा गया है, तो मैंने आपको लोगों को इसीलिए बताए थे ये सारे टॉपिक, और WhatsApp पर भी आपको प्रोवाइड कर दिए थे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा पूछी जा रही हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कर लेना भाई, ठीक है, और ये स्टैटिक जीके में आ गया एक तरीके से इंपॉर्टेंट। ये जो स्पोर्ट है पर्टिकुलर, कब स्टार्ट हुआ था, कब खेला गया था, मतलब, ठीक है, ये सारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह ये सारे कर लेना, ठीक है। संगीत वादक ये पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा देखो भाई, रिवर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स से बेसिक सारी चीज़ें करके जाने हैं आपको। मिनरल्स करके जाने, मिनरल्स कहाँ, कौन सा मिनरल पाया जाता है, कॉपर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग दे सकता है। केवल कॉपर का पता है कि हाँ सबसे ज़्यादा इसमें है, और आप एलिमिनेट नहीं कर पाए क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके अलावा देखो, क्रॉप्स कर लेना, इंपॉर्टेंट है जो क्रॉप्स हैं इंडिया की, किस सीज़न में होती है, कौन सी क्रॉप किसके अंडर आती है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें देखो भाई, फेस्टिवल तो देखो भाई करनी ही है, ये आप सभी को पता है, SSC ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं फिलहाल ये, तो ठीक है। इसके अलावा देखो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कर लेना, रिवर्स के वैदिक नेम भी आपको करने हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो भी गल्फ हैं, ठीक है, जो श्रीलंका से जो भी गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, श्रीलंका है, श्रीलंका के किस पार्ट को टच करती है, ये मतलब कॉमन चीज़ें एक तरीके से बाउंड्री में ही आ रही हैं सारी चीज़ें ये, तो बाउंड्री मैंने इसीलिए आपको समझाया बोला। इसके अलावा देखो भाई, इम्पोर्टेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वो देख लेना, ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो RBI SEBI इनके इस्टेब्लिशमेंट डेट याद कर लेना, और बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स में आपको करके जानी है भाई। आपको जो रेट होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये छोटे छोटे टर्म्स होते क्या हैं, इनको याद करके जाने, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अभी क्या है ना, बच्चे गलत करके आ रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत कम बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एडवांटेज रहेगी जो इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स को याद करके जाएगा। टर्म्स ही होते हैं मेन खेल उसमें, ठीक है, समझने वाली बात यही है। इसके अलावा देखो, और बात करें तो इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें बता दी। हाँ, हिंदू कैलेंडर याद कर लेना, हिंदू कैलेंडर में फेस्टिवल्स वगैरह कौन से मंथ में क्या पड़ते हैं, ठीक है, और वो मैंने आपको बताई दिए। इम्पोर्टेंट मिनरल मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी जो आपके संस्थान हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, 5-ईयर प्लान बता दिया। तो भाई ये तो GS की बात रही। इंग्लिश में आपको कोई फालतू चीज़ें में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बोला ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं। तो इंग्लिश का बताने से पहले
क्योंकि आप भाई जल्दी में वो वीडियो को पूरा देखो या ना देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ भाई। अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए, जैसे एसएससी की तैयारी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल एमटीएस की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, तो भाई आपको केवल सीएचएसएल के नहीं क्वेश्चंस लगाने, आपको सारे ही क्वेश्चन लगाने, सीजीएल तक के भी लगाने। लेकिन एसएससी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आप देखोगे जो टीचर कहीं से भी कोचिंग कर रहा है, तो वो सारे ही पेपर्स के सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सभी के क्वेश्चन उठाता है। तो अग्रवाल पब्लिकेशन ने क्या किया भाई, बुक लॉन्च की है इंग्लिश और मैथ के लिए, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। वो कैसे दे रखे हैं मैं बता दे रहा हूँ, दिख भी रहा होगा आपको भाई। हर एग्ज़ाम का और टॉपिक वाइज, फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज है, परसेंटेज में एसएससी जीडी में, एसएससी एमटीएस में, सीपीओ में, सीजीएल में, जितने भी क्वेश्चंस आए उनको अलग अलग डिवाइड करके दे रखा है। पहले जीडी के सारे दे रखे हैं परसेंटेज के, फिर एमटीएस के सारे दे रखे हैं परसेंटेज के, सीजीएल के सारे दे रखे हैं परसेंटेज के, ऐसे। तो आई होप आप समझ गए होंगे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो भाई ये अपने आप में ओवरऑल पैकेज बन जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर बुक्स मिलेंगी उनमें मिक्स दे रखा है, और उसमें किसी के कम किसी के ज़्यादा, कोई कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिसिंग भी हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश और मैथ दोनों के लिए। इंग्लिश में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एंटोनियम सिनोनियम इन एरर, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब सारे ही चैप्टर से, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सीजीएल सीपीओ डिवाइड करके दे रखा है, और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज बन जाता है जो एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को कर रहे हैं, ठीक है, उस वो डिपेंड नहीं करता। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है चेकआउट कर सकते हैं, नो डाउट बढ़िया मटेरियल है, बिना मतलब डाउट करें आप इसे इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मैंने पहले जो रिव्यू दिया था आपका सही सेम रिव्यू होगा, ठीक है, और जो इसका आपको जो पीडीएफ है, एक तरीके से इमेज है, ठीक है, जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। इंग्लिश का मैं बता दूँ, सेम आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं वैसे ही टॉपिक्स आ रहे हैं। जो वोकैब है प्रीवियस ईयर से भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी इजी बना के पूछ रहा है, ठीक है, जिसने बेसिक कर रखी है वो भाई फाड़ के आएगा पेपर, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है इंग्लिश के लिए, और फालतू मैं ये नहीं बता रहा कि ये आया है वो आया, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तो आपको सभी को पता है कैसा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कोई डाउट है कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मत का मतलब मैं बोलने वाला था करते नहीं है यार, ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रहेंगी, अभी हैं आगे भी रहेंगी, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, 10,000 सब्सक्राइब करा दिए फटाफट, और होने भी वाले हैं। जय हिंद जय भारत।